अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में हम बात करेंगे, हर साल मुसलमान दो ईद मनाते हैं, एक ईद उल फितर, दूसरा ईद उल अदा। उसके बाद आती है ईद उल मोमिनीन जो हर जुमा मनाते हैं, फिर ईद मिलाद उन नबी। अब हम एक मशवरा दे रहे हैं कि ईद उल इंतखाब 5 साल में एक बार आता है, जिसे जोश से मनाना भी हर मुसलमान हर इंसान का फर्ज है, ईद उल इंतखाब। लिहाजा कल ईद उल इंतखाब है, इसकी तैयारी आप और हम सब करेंगे। मैं तो अब इसकी तैयारी का रिहर्सल करने तैयार हूं, आइए चलते हैं। तो चलिए नाजरीन, कल इंतखाबात का दिन है 7 दिसंबर, आप और हम सब जाकर वोट डालना है। तो पहले पोलिंग बूथ तक जाने के लिए, वोट डालने के लिए हम चलते हैं, साइकिल पर जाने की कोशिश करेंगे। साइकिल चलती या पंक्चर है देखेंगे। अरे साइकिल तो पंक्चर है, अब क्या कर सकते हैं। हैदराबाद ने अभिवृद्धि चेसाम, తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర రెండు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి ముందుకు పోవాలి. వాటర్ ఇష్యూస్ కానీ అన్ని ఇష్యూస్ కానీ అమికబుల్గా సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటాం, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లం. చలి కార్ కా ఇంతజామ్ హో గయా పోలింగ్ బూత్ జానే కే వాస్తే, కార్ మే చల్ కే దేఖతే హై। कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी, कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी, कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी, कार में म्यूजिक बजा नाचूंगी। कार इस इलेक्शन में चलेगी दौड़ेगी या नहीं पता नहीं, मेरे को तो थोड़ा इंजन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है इसके, देखेंगे। ఎందుకు అరుస్తున్నా ఎనక పిచ్చలేసిందా, మనోడనే మంది వచ్చిన ఇలా అడినోళ్ళు ఎవరైనా నాగబట్ రాదా, ఎందుకు అరుస్తున్నాను, ఏ కామ ఉండాలే. సైకిల్ తో పంక్చర్ అయ్యా పోలింగ్ బూత్ తక్ జానేకే లియే, దూసరీ సవారీ కా ఇంతజామ్ హువే తక్ బ్యాట్ సే క్రికెట్ ఖేలింగే ఎక్ బార్, देखते हैं इस मर्तबा 6 जाता है या नहीं, मार के देखेंगे। सिक्स तो जाएगा ऐसा दिख रहा है। 7 तारीख के दिन पोलिंग के दिन अगर गुंडागर्दी हुई, इलेक्शन छोड़ के इनकी गाड़ी में डाल के लेकर चले जाता हूं यहां से। इलेक्शन आप लोग देख लेना, इलेक्शन आप लोग देख लो, मैं रहू ना रहू पोलिंग बूथ पे काम चल रहा, बैटिंग चलते रहना। साइकिल देख लिए, कार देख लिए, क्रिकेट भी खेल लिए, अब जरा पतंग उड़ाएंगे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। अब लास्ट टाइम 7 पतंगा उड़ते हुए देखा था मैं, अब देख रहा है इस मरतबा कितने पतंगा उड़ते या नहीं उड़ते, या 8 उड़ेंगे या 6 उड़ेंगे, अब कल ही मालूम होगा। मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह अपना खास करम कर दे मजलिस के ऊपर। अल्लाह अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मजलिस के अहमद बलाला और अहमद पाशा को कामयाब कर दे। अल्लाह तू मुमताज़ है, तुझे तेरे नाम का वास्ता मुमताज़ अहमद ख़ान को कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे हबीब रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन के सदक़े में रहमत को काम कर दे। अल्लाह इन्ना आते ना कल कौसर के सदक़े में कौसर को कामयाब कर दे। अल्लाह जाफ़र हुसैन के सदक़े में हुसैन के सदक़े में जाफ़र हुसैन को कामयाब कर दे। जिसका बेटा अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, मगर उसके बावजूद भी ये इमाम जाफ़र का सच्चा और पच्चा आशिक मैदान कारसाज में मेहनत कर रहा है। अल्लाह तू मौजम नवाब को कामयाब कर दे। अल्लाह सुबहाना व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन तमाम 8 उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान कर दे। नाजरीन अब सब देखिए, कार पतंग बैटिंग साइकिल, अब आखिर में ये सब हाथ देते हैं क्या या फिर हाथ को साथ देते हैं,
ये भी देखना है। 4.5 years ago, a separate state of Telangana was created. I too played a role in making that happen. But you have been betrayed by those in power in Hyderabad. Now is the time, wherever you are in Telangana, to fulfill your hopes and expectations, your desires and aspirations. I appeal to you personally to vote for the Praja Kotumi. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा नाजरीन, ईद उल फितर, ईद उल अदा, ईद मिलाद उन नबी, ईद उल मोमिनीन जिस तरह से हम मनाते हैं उसी तरह से अब 5 साल में एक मर्तबा आती है ईद उल इंतखाब। तो ईद उल इंतखाब के लिए सुबह उठना है, गुस्ल करना है, फजर की नमाज पढ़ना है, सीधे जिस तरह से मस्जिद को जाते हैं नमाज के लिए उस तरह से पोलिंग बूथ को जाना है, सफ में ठहरना है, अपना वोट डालना है और वोट डाल के आकर नमाज पढ़ना है जुमा की, और जिसे वोट डाला है उसके लिए दुआ करना है, अल्लाह जिसके लिए वोट डाला है उसे कामयाब बनाए और नेक और ईमानदार शख्स रहे, ऐसी दुआ करना है। उसके बाद जिस तरह से ईद के दिन खुतबा सुनना फर्ज है, उसी तरह से 11 दिसंबर को रिजल्ट भी सुनना फर्ज है। उम्मीद है आज का हमारा शो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।